I am Aftabala and I am going to tell you about models and the examples of models and what is the uses of main models. I have already told you about models or model auxiliaries are verbs that are used before ordinary verb to express possibility, certainty, suggestion, etc. And examples can, could, may, might, shall, will, etc. Here we will know about main models. First of all, we will know about use of can and could. The past tense of can is could. Can ka past tense could hota hai. Aur can ka use sakna ke arth mein liya jata hai, jahan pe koi cheez sakta hai, sakti hai. और ऐसे हिंदी शब्द आते हैं तो वहाँ पे हम कैन का यूज करते हैं, और वही चीज़ अगर पास्ट टेंस में एक्सप्रेस करना हो तो वहाँ पे कैन का पास्ट कुड हो जाता है. तो यहाँ पर देखेंगे कैन एंड कुड आर यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी या कैपेसिटी. कैन या कुड का यूज एबिलिटी या कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए बताया जाता है. जैसे आई कैन क्रॉस द रिवर, आई कैन क्रॉस द रिवर मीन्स इसका हिंदी यह होगा कि मैं नदी क्रॉस कर सकता हूँ. आई कैन क्रॉस द रिवर, मैं नदी को पार कर सकता हूँ. और इसी बात को अगर कह दिया जाए कैन के जगह अगर कुड लगा दिया जाएगा तो आई कुड क्रॉस द रिवर अगर लिखते हैं हम तो वहाँ पे उसका अर्थ हो जाएगा कि मैं नदी को पार कर सकता था. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आई कैन क्रॉस द रिवर, तो यहाँ पे कैन है और यहाँ पे एक कुड का एग्जाम्पल दिया गया है. When I was young, जब मैं युवा था, जब मैं नौजवान था, I could cross the river, तो मैं नदी पार कर सकता था. जब मैं युवा था तो मैं नदी क्रॉस कर सकता था, मैं नदी को पार कर सकता था. यहाँ पे ये यूज है यहाँ पे कैन का और यहाँ पे कुड का. कैन एंड कुड आर यूज टू सीक एंड ग्रांट परमिशन, और किसी से आज्ञा मांगनी हो, अनुमति लेनी हो, इस उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए भी कैन और कुड का यूज किया जाता है. एग्जाम्पल जैसे कैन आई गो नाउ, कैन आई गो नाउ मीन्स क्या मैं अब जा सकता हूँ. यहाँ पे कैन का यूज किया गया है कॉगनिटिव सेंटेंस में. और ऐसे ही कुड का यूज करना हो, कुड यू सेंड मी द डॉक्यूमेंट्स, कुड यू सेंड मी द डॉक्यूमेंट्स मीन्स क्या आप अपने कागजात, क्या आप अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे भेज सकते थे. यहाँ पे कुड का यूज पास्ट टेंस में ग्रांट परमिशन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है. एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, कैन एंड कुड आर यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी. यहाँ पे संभावनाओं को व्यक्त करना हो या संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी कैन और कुड का प्रयोग किया जाता है. जैसे ही कैन कम टू डे, ही कैन कम टू डे मीन्स वह आज आ सकता है. He can come today, वह आज आ सकता है. और कैन के जब हम कुड का यूज करते हैं तो सेंटेंस होगा ही कुड कम टूडे, ही कुड कम टूडे मीन्स वह आज आ सकता था. तो नेक्स्ट उसकी यूज देखेंगे कैन और कुड का टू एक्सप्रेस एन ऑफर और सजेशन. किसी ऑफर या सजेशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी कैन और कुड का प्रयोग किया जाता है. एग्जाम्पल देखिए, सी कैन इन्वाइट अस टूडे, सी कैन इनवाइट अस टूडे, वह हमें आज आमंत्रित कर सकती है. और उसकी जगह पे यहाँ पे है कुड का प्रयोग, आई कुड ड्रॉप यू टू स्कूल, मैं आपको स्कूल छोड़ सकता था. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट यूज ऑफ मे एंड माइट. थैंक यू स्टूडेंट.